नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश में आज दो नियुक्तियों ने सियासी हलचल मचा दी। हालांकि नियुक्तियां तीन हो गई हैं, लेकिन दो से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक नियुक्ति कांग्रेस की है और दूसरी बीजेपी की है, और दोनों का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। कांग्रेस ने आज कर्नाटक के लिए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। सिद्धारमैया फिर से कर्नाटक की कमान संभालने जा रहे हैं, जबकि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कई इम्पॉर्टेंट मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री को संभालेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस को इस बार बड़ी जीत मिली है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा, और वैसे ही जैसे पैरों तले जमीन खिसकने से लगता है। इस जीत के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इस पर कांग्रेस ने गहन मंथन किया। 13 तारीख को नतीजे आए और 17 तारीख तक तय हो गया कि किसे सीएम होना है। फिर भी इन 3-4 दिनों में बीजेपी के पिट्ठू पत्रकारों ने इतना हल्ला मचाया कि कांग्रेस के सीएम के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं कर रही है, कांग्रेस अपने सीएम का के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। लंबे लंबे डिस्कशन यानी कि डिबेट्स हुए और बेमतलब के सवाल मीडिया के जरिए पूछे गए कांग्रेस से। बहरहाल, अब सीएम की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिवकुमार के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जो तस्वीर साझा की, जरा उस ट्वीट को ले आइए। सिद्धारमैया के ट्वीट को, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा के लिए, ये इंग्लिश में ट्वीट है, लिख रहे हैं, वी विल ऑलवेज ज्वाइन आवर हैंड्स टू प्रोटेक्ट दी इंटरेस्ट ऑफ कन्नड़ लोगों के, और कांग्रेस पार्टी विल वर्क एज अ फैमिली टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री गवर्नेंस एंड टू इम्प्लीमेंट आवर गारंटी। 5 गारंटी आप जानते होंगे उन गारंटीज के बारे में। और देखिए, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए, और खासकर दोनों के हाथ को ऊपर उठा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया का ये ट्वीट। इनके अलावा डीके शिवकुमार ने भी ट्वीट किया, लेकिन सिद्धारमैया के इस ट्वीट में साफ साफ है कि कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमारे हाथ एकजुट हैं रहेंगे और हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। तस्वीर में तीनों मुस्कुराते हुए और एक साथ हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस तस्वीर में तीनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर मीडिया को कोई मसाला मिल जाए कि कौन खुश दिख रहा है, कौन दर्द में है, कौन परेशान है। बातें करने वाले 10 तरह की बातें बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी दिखा दिया है कि उसे जीतना आता है और बिना दबाव के काम करना भी आता है। इधर बीजेपी में आज जो नियुक्ति हुई है, उस पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वहाँ कोई दबाव में था, क्योंकि कानून मंत्री के पद से किरण रिजिजू को मुक्त कर दिया गया है, उनके सबॉर्डिनेट को भी मुक्त किया गया है। लेकिन अभी पहले बात करते हैं हम किरण रिजिजू की, और अब किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। कर्नाटक हारने और अगले कई विधानसभा चुनाव और आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। कानून मंत्रालय बमुश्किल 2 साल तक किरण रिजिजू के पास रहा। उन्हें 2021 में कानून मंत्री बनाया गया था, शायद आपको याद होगा, और इससे पहले रविशंकर प्रसाद के जिम्मे ये मंत्रालय था, मगर रविशंकर प्रसाद भी अचानक इसी तरह हटा दिए गए थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 4 साल में ये तीसरे, अब जो यानी दो बार कानून मंत्री बदले गए हैं, यानी कि तीसरा कानून मंत्री अब देश के सामने है। तो सवाल उठना लाजमी है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालने वाले क्या जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनसे कुछ उम्मीदें सरकार और भाजपा की हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। किरण रिजिजू ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, निचले कोर्ट के जजों और सभी कानून अधिकारियों का भी शुक्रगुजार हूं। मैं अर्थ साइंसेज मंत्रालय में भी उसी उत्साह से काम करूंगा जैसा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में रहा हूं। तो यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को साबित करने की कोशिश, और मंत्रालय है, एक मंत्री के रूप में काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूं और वैसा ही करता रहूंगा, कह रहे हैं अपने ट्वीट में। खैर, किरण रिजिजू साहब हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, तो उनसे छोटी बातों की उम्मीद भी कैसे आप कर सकते हैं। अब ये किरण रिजिजू का उत्साह था या कुछ और कि 2 सालों में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे मोदी सरकार विवादों में घिरी।
रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल ग्रुप का हिस्सा कहना और जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार के दखल की बात जैसे कई बयान मोदी सरकार की छवि के लिए दाग बने। और इधर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले सरकार के अनुकूल नहीं रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र या दिल्ली की सरकारों को लेकर आया हुआ फैसला हो या फिर कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण के कोटे को खत्म करने पर रोक का फैसला हो या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीबीआई निदेशक की तरह करने का फैसला हो, ये सब मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं झटका साबित हुए हैं। सरकार इनसे संभले या विवादों में खुद को संभाले, ये बड़ा सवाल मोदी सरकार के सामने था। कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू का सफर उबड़ खाबड़ रहा है। यहाँ वो उतार चढ़ाव न कह के मैं उबड़ खाबड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विवादों और बाधाओं के ढेले और पत्थर लगातार उछलते रहे हैं किरण रिजिजू के बयानों के कारण, और इससे मोदी सरकार पर दाग लगने का खतरा बना हुआ था। अभी अदानी और हिंडनबर्ग प्रकरण और राहुल गांधी को मानहानि पर सजा के खिलाफ दायर याचिका, ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर फैसला आना अभी बाकी है और इनका सीधा असर भाजपा और मोदी सरकार पर होगा, ये भी तय मानिए। इसके अलावा जिस तरह कर्नाटक में एससी और एसटी समुदायों ने भाजपा को किनारे लगाया है, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना, इन सब में जो यहाँ की आदिवासी और दलित आबादी है उसके बीच पैठ बनाना भाजपा के लिए चुनौती है। इसीलिए अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है ताकि राजस्थान और बाकी जगह दलित वोट साधे जा सकें। आप जानते हैं कि मेघवाल साहब दलित हैं और दलित वोट साधने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि 36 दलितों के जो सीट्स हैं, रिजर्व सीट हैं, एससी के रिजर्व सीट्स हैं, उसमें से 21 सीटों पर कर्नाटक में विजय कांग्रेस को जीत मिली है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए कई जगह से ज़मीन खिसक रही है। मणिपुर आप देख रहे हैं अशांत है, दक्षिण भारत के रास्ते बंद हो गए हैं कर्नाटक हार के बाद से, पश्चिम में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, इन तीनों राज्यों में सरकार होने के बावजूद चुनौतियां बीजेपी के लिए खत्म नहीं हो रही हैं, हिंदी पट्टी के राज्यों में फिर से शिकस्त खाने का डर है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बीच जो पिछले 4 दिनों से चल रहा था मीडिया के ज़रिए ये बताने की कोशिश हो रही थी कि कांग्रेस के अंदर खाने बहुत ज़्यादा खींचतान है, उस खींचतान से कांग्रेस कैसे निपटेगी, कांग्रेस अभी अपने जीत का जश्न भी नहीं मना पाई थी कि कांग्रेस के खिलाफ तमाम बातें हो रही थीं, लेकिन उस पर से आज पर्दा हटा दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये बताया गया कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो कई जो मीडिया के साथी बंधु हैं वो परेशान हैरान नज़र आने लगे, इसलिए क्योंकि उनके लिए आज शाम कुछ पकाने के लिए था नहीं, हालांकि फिर भी पकाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो भी देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की, 15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, 2 दिन चर्चा का दौर चला। मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विचलित रहे, अनेकों सवाल पूछते रहे, उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे। आप में से अनेक लोगों ने थोड़ा गुस्सा भी किया हमसे, वेणुगोपाल जी से, मुझसे, क्योंकि आपका अधिकार है, मोदी जी से तो कोई गुस्सा कर नहीं सकता, हम पर तो आपका अधिकार है, हम आपके परिवार का हिस्सा है, हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, यही कांग्रेस है। तो ये मीडिया पर बोल रहे थे रणदीप सुरजेवाला, लेकिन इसके बाद सीएम की घोषणा इन्होंने की और वो भी सुन लेते हैं, सुनिए जरा सीएम पद की घोषणा कर। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे, ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी, आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बैंगलोर में, 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ
कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। तो पूरी घोषणा यहां हो गई कि कब क्या होना है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और 20 तारीख को इस शपथ ग्रहण में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। कुछ लोगों के नाम अभी नहीं आ रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी से केजरीवाल को अभी तक शायद न्योता नहीं मिला है, अगर मिल गया हो तो हम तक जानकारी अभी तक नहीं है। बीआरएस या टीआरएस के नेता और मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर, उनको नहीं बुलाया गया है। ऐसे ही केरल के मुख्यमंत्री विजयन को नहीं बुलाया गया है, पिनरई विजयन, और ऐसे ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया है। विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ, विपक्षी दल के बाकी तमाम जितने नेता हैं उन सबको निमंत्रण चला गया है और ऐसा बताया जा रहा है। तो एक तरफ कर्नाटक और दूसरी तरफ इधर बीजेपी जो अपने कानून मंत्री को अचानक आनन फानन में बदल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट से उनको अर्थ साइंस मंत्रालय दे दिए, तो उसके क्या मायने हैं। कानून मंत्री के जो साथी रहे हैं वो भी एसपी सिंह बघेल, उनको भी हटाया गया है, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि न सिर्फ किरण रिजिजू को हटाया गया बल्कि बघेल साहब को भी हटाया गया है। क्या मायने हैं इसके, ये हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपनी ज़मीन बचाने के लिए बीजेपी ले रही है बड़े बड़े फैसले। किरण रिजिजू और बघेल को हटा करके क्या हार से बच पाएगी बीजेपी। आगामी चुनौतियां जो सामने हैं और उन चुनौतियों को अगर आप नहीं झेल पाए तो आपके सामने सीधा और सीधा हार होगा। इसलिए यहां कह रहा हूं कि क्या हार से बच पाएगी बीजेपी और क्या कर्नाटक के झटके से उबर पाएगी बीजेपी। कर्नाटक का झटका जो है वो बहुत बड़ा झटका है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ इस तस्वीर के अलावा जो आप देख रहे हैं कर्नाटक का। जब जीत हुई थी कांग्रेस की तो मिठाई खिलाते हुए, वो भी नंदनी मिठाई खिलाते हुए नज़र आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। ज़रा उस तस्वीर को भी सामने ले आइए, इस पूरे फुल स्क्रीन में ले आइए साउंड के साथ में, क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और कैसे खिला रहे हैं मिठाई। ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है जो पिट्ठू मीडिया को देखना चाहिए और समझना चाहिए प्रोग्राम्स करने से पहले। लेकिन ऑडियो के साथ जरा इस प्रोग्राम को दिखाइए, इस तस्वीर को। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट विदाउट नंदनी नथिंग कैन बी कंप्लीट इन कर्नाटक। नंदनी हैज नाउ आउटविटेड देम अलोंग विद ऑल कन्नड़िगास। आई नाउ रिक्वेस्ट my AICC president to offer sweets both to my CLP leader and PCC president with his hands. No sir, both of them. काउंसिल लीडर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज कम फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब, काउंसिल लीडर साहब प्लीज कम फॉरवर्ड। तो सिद्धारमैया को मिठाई, ये भी नंदनी की मिठाई है, नंदनी ब्रांड जिसको लेकर के खूब चर्चा, और सिद्धारमैया को मिठाई खिलाते वक्त थोड़ा दो एक बार उनको छकाने की कोशिश, और क्या ये तीन चार दिनों से छकाने की कोशिश चल रही थी, समझेंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल आप सबके सामने रख चुका हूं, और एसपी सिंह बघेल का मंत्रालय बदला गया है। कानून राज्य मंत्री थे और अब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है, तो कानून मंत्री भी गए और कानून के राज्य मंत्री जो हैं वो भी चले गए। तो दोनों चले गए आनन फानन में, इनको हटाया गया जैसे वैसे ही जैसे हटाया गया था रविशंकर प्रसाद को। आखिर क्या कारण है, क्या कारण है कि पिछले चार साल में दो कानून मंत्री हटा दिए गए और तीसरे कानून मंत्री थोप दिए गए हैं। क्या कानून का मामला जो है, यानी कानून का जो हाथ है वो काफ़ी लंबा हो गया है जिससे